जी, मेरा नाम मोहम्मद फहाद रजा है और मैंने फास्ट इस्लामाबाद से बैचलर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और साथ मास्टर्स किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाबिस्ट से। बैचलर्स के बाद मैंने और मास्टर्स के दौरान मैस्करी बैंक में कॉरपोरेट बैंकर के तौर पर भी एक साल काम कर चुका हूँ और उसके अलावा मैं चार भाई नामी एक वेडिंग फोटोग्राफी कंपनी चलाता हूँ जो कि मैंने स्टार्ट की थी जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, मगर फोटोग्राफी मैं कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल फोटोग्राफी मैं कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर से यूनिवर्सिटी में के ज़माने से ही और फोटोग्राफी मैं कर रहा हूँ स्कूल से। जब मैं कॉलेज में था तो मैं कॉलेज की फोटोग्राफी सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी था और यूनिवर्सिटी में आया तो पैशन वेंट इनटू बिकमिंग प्रोफेशन और आई वाज एबल टू फाइनेंस माय लास्ट सेमेस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम द मनी दैट आई हैड अर्नड फ्रॉम माय फोटोग्राफी वेंचर्स। तो प्राइमरीली मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। हर बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर नहीं कहा जा सकता क्योंकि कारोबार करना एक अलग चीज़ है और एंटरप्रेन्योर होना एक अलग चीज़ है। मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो एक की एलिमेंट है वो है एक पैशन होना एक चीज़ के लिए। एंटरप्रेन्योर जो भी काम करता है वो उसके बारे में पैशनेट होता है, ही बिलीव्स इन दैट काम। वो काम सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं कर रहा होता। पैसा एक बाय प्रोडक्ट तो ज़रूर होता है मगर एंटरप्रेन्योर काम कर रहा होता है क्योंकि वो बिलीव करता है कि वो उस काम से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहा होगा अपने लिए, अपने इंटरनल कस्टमर्स के लिए और अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए। तो जो ये प्राइमरी डिफरेंस है एक आम कारोबारी शख्स और एक एंटरप्रेन्योर में वो ये है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा विन विन की तरफ जा रहा होता है। वो कभी विन लूज की तरफ और कभी लूज लूज की तरफ देखता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है। सो प्राइमरीली एन एंटरप्रेन्योर इज वर्किंग टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल ऑन एट लार्ज। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो हर प्रॉब्लम के अंदर एक सोल्यूशन ढूंढने की सलाहियत रखते हैं। वो एक ऑलरेडी मौजूद सोल्यूशन और एक ऑलरेडी मौजूद प्रॉब्लम को कनेक्ट करने का ब्रिज बन सकते हैं। हो सकता है कि एक प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करती हो सोसाइटी के एक पार्ट में लेकिन उसका सोल्यूशन वहाँ पर अवेलेबल ना हो, और ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो सोल्यूशन कहीं ऐसी जगह रिमोटली एग्जिस्ट करता हो जो एक्सेस ना मिल रहा हो सोसाइटी तक उस वाली। तो प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस को ब्रिज करने का काम जो है एंटरप्रेन्योर्स अपने सर पे लेते हैं। और मेरे ख्याल से कि एंटरप्रेन्योर्स की प्राइमरीली काम यही है कि दे गिव आंसर्स टू क्वेश्चंस दैट हैव नॉट बीन आंसर्ड बिफोर। मेरे ख्याल से जब मैं इसका जवाब तो मैं दूंगा थोड़ा सा पीछे जाके। जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं इमेजिन यही करता था कि मैं बड़ा होऊंगा और मुझे जहाज उड़ाने का बहुत शौक था। तो मैंने कहा मैं फाइटर पायलट बन जाऊंगा और उसके बाद कोई एरोनॉटिक्स की कोई इंजीनियरिंग किस्म की चीज़ें करके डिग्री करके और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। फिर मुझे गाड़ियों का जब शौक था तो मैंने कहा मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करूंगा और मेरी अपनी गाड़ियों की कंपनी होगी। तो अगर आप मेरा माइंडसेट पूछते हैं तो मैं तो बचपन से ही अपने काम ओरिएंटेड था। छोटे होते मैं बार्टर ट्रेड भी कर लिया करता था, अपनी साइकिल रेंट पे भी चला लिया करता था, गुब्बारे वाले के साथ भी बार्टर कर लेता था, उसको टेनिस बॉल्स देकर उसे पटाखे खरीद लेता था। तो इस तरह का काम मैं करता था मगर मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कभी भी नौकरी करने का शौक था या मेरी पर्सनालिटी नौकरी वाली थी। और मेरे ख्याल से दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो सेटल डाउन करना चाहते हैं मीडियोक्रेसी पे और एक वो लोग होते हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने फुल पोटेंशियल को। तो मैं दूसरी कैटेगरी में फॉल करता हूँ मेरे ख्याल से। दोनों में यू कैन नॉट लुक डाउन एट एनी वन, दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान आते हैं, अलग अलग अपनी तरह के लाइफ स्टाइल्स हैं। मगर मेरा वही ख्याल है कि इफ़ यू आर एमिंग फॉर द स्टार्स यू विल एंड अप लैंडिंग ऑन द मून एटलीस्ट। आप एंटरप्रेन्योरशिप में ये है कि आपके पास एक खुला मैदान है, आपका जो रिस्क है वही आप रिस्क भी आप ओन करते हैं, रिवॉर्ड भी आप ओन करते हैं और जितनी आप मेहनत करते हैं उतना आपको उसका सिला मिल जाता है। आप अपनी मर्जी की डायरेक्शन का तयन कर सकते हैं, आपको किसी की बताई हुई डायरेक्शन के ऊपर नहीं चलना पड़ता। नौकरी में आपको सेफ्टी ज़रूर मिल जाती है, आपको एक लगी बंधी तनख्वाह ज़रूर मिल जाती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत जल्द नौकरी करते हुए आप ये सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं कि क्या ये वाकई में आपकी मेहनत का जायज़ वो है रिटर्न के नहीं है। आपको लगता है कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको उसका मुआवजा कम मिल रहा है, या आपको ये लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके सुपीरियर्स कुछ और डायरेक्शन में आपको चलाना चाहते हैं।
आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल कुछ और है, आप कुछ ज्यादा बेहतर अचीव कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है अपने सुपीरियर्स और अपने पीयर्स की शक्ल में कभी ना कभी, तो आप जो है वो इट्स नॉट वेरी पीसफुल। पैसों का कंसिस्टेंट फ्लो तो आपको सुकून में रखता है, लेकिन उससे एडेड जो आपकी प्रोफेशनल डिससेटिस्फैक्शन है, मेरा ख्याल है कि ये ट्रेड ऑफ ऐसा है जो कि आपको कभी ना कभी फेस करना पड़ता है नौकरी करते हुए, और एंटरप्रेन्योरशिप में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि आप खुद इन कंट्रोल होता है। SWOT एनालिसिस की जब हम बात करते हैं, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जहां पर जिस सोसाइटी में जिस सिचुएशन में जिस सिनेरियो में जितने ज्यादा थ्रेट्स और वीकनेसेस होती हैं उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये कहना बहुत ज्यादा वैलिड है कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मौजूद है। इसकी बहुत सारे बेसिक रीजंस हैं। ए, हम लोगों के पास इतने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स अभी है नहीं, तो अर्ली एंट्रेंस का फायदा होगा ऑब्वियसली, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो है लोगों को जो अभी अपने अपने एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप्स स्टार्ट करते हैं, किसी ना किसी तरफ अपना लेकर चलते हैं। दूसरा ये है कि हमारी हुकूमत ने अभी टैक्स लॉज अप्लाई किए हैं, स्मॉल बिजनेसेस के लिए टैक्स लॉज बहुत आसान है, तो हमारी हुकूमत भी सपोर्ट कर रही है छोटे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करता है। उसके अलावा मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अपॉर्चुनिटी है ही इतनी ज़्यादा, अगर एक किसान को इंटरनेट यूज़ करना की ज़रूरत है, व्हाट्सएप यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फार दूर अफ्तादा इलाकों में मैसेजेस अपने पैगाम नहीं पहुंचा सकते, तो उसको एजुकेट करने के लिए भी तो कोई शख्स चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर इस तरह की आउटरीच एजुकेशनल प्रोग्राम्स चला रही हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का के मॉडल के अराउंड डिजाइन है। बहुत सारे लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और वो भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट्स हैं। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ही ज़्यादा स्कोप मौजूद है इस वक्त, एंड देयर इज स्टिल अ लॉट दैट इज नॉट एड्रेस्ड, जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अगर आप जाते हैं, इफ़ यू चूज टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी कैसी है और आपके पास पैसे कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा मसाइल हैं जिनके सॉल्यूशंस अभी पेंडिंग हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको लिंक करना है उनके सॉल्यूशन से, और वो लिंक्स आप एंटरप्रेन्योर्स होंगे। तो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का मसला है, हमारे पास रिसाइकलेबल आइटम्स का मसला है, हमारे पास सीवेज का मसला है, क्लीन वाटर का मसला है, हमारे पास रिमोट इलाकों में एजुकेशन का मसला है, हमारे पास इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि अगर आप एक एक मसले के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग भी काम करना शुरू करें, मेरा नहीं ख्याल कि उनको फेलियर कभी भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक दुनिया की छठी सातवीं बड़ी आबादी हैं, और उसके अलावा हमारे पास लैंड इतना कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, मसाइल ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान के अंदर गेटिंग इनटू वेंचर्स जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है रिलेटिवली, जितनी बड़ी मशीनरी होगी, जितनी बड़ी कॉरपोरेशन होगी, उसके लिए मूव आउट करना, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। छोटे लेवल पर एक मसले को सॉल्व करना और उसको ग्रो आउट करना, एक्सपोनेंशियली बढ़ाना रिलेटिवली आसान होता है। तो मेरे ख्याल से तो एंटरप्रेन्योर्स के पास बहुत ज़्यादा मौका है इस चीज़ का कि वो इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेकर आएँ और दे कैन वर्क टूवर्ड्स मेकिंग पाकिस्तान अ बेटर सोसाइटी विदाउट हैविंग द रिस्क ऑफ लेसर फाइनेंशियल रिवॉर्ड और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इन माई ओपिनियन।